हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड, जहां पर आपको सभी टेट एग्जाम और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी संपूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। आपको पता है कि सीटेट 2019 के लिए प्रिपरेशन हमारी चल रही है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में पैडागॉजी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश की पैडागॉजी की करीब 300 से भी ज़्यादा 350 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। मैंने आपको 2018 और 2016 के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं। तो फिर से मैं एक बार देख रही थी क्वेश्चन, अभी अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो पैडागॉजी में आती हैं, जो क्वेश्चंस में आ सकती है, वो इस वक्त मैं आपको 2-3 दिन से बता रही हूँ। और उसी क्रम में मैं देख रही थी सीटेट 2018 का एक पेपर, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे टॉपिक्स आए जो मुझे लगा कि क्योंकि 2018 में ही वो चीज़ें आई हुई हैं, वो वर्ड्स एटलीस्ट आपको पता होना ज़रूरी है ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे बन जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा है, नोटिस किया है, ये 2018 के सीटेट के पेपर से लिया गया है। क्लोज मींस, क्वेश्चन था मतलब क्लोज मींस फिनिशिंग, मिसिंग पार्ट, क्लोज और एसेसिंग, ये क्वेश्चन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको क्लोज का मतलब पता हो, और ये पैडागॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई पैराग्राफ से लिया गया है। सो आप फटाफट से गेस करिए इसका सही आंसर, फिर मैं आपको इसका सही आंसर भी बताऊंगी और क्लोज से रिलेटेड एक्चुअली क्लोज वर्ड आया कहाँ से पैडागॉजी में ये बताऊंगी, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक टॉपिक ही है। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है आपका मिसिंग पार्ट, क्लोज नहीं होता है बिल्कुल भी, मिसिंग पार्ट होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्लोज आया कहाँ से। एक्चुअली क्लोज टेस्ट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज पैडागॉजी में एक क्लोज टेस्ट वर्ड यूज होता है, पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। एक्चुअली इन लैंग्वेज टीचिंग अ क्लोज टेस्ट इज अ टेस्ट इन विच वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड रिप्लेस्ड विद स्पेसेस, द लर्नर्स हैज टू फिल ईच स्पेस विद अ सुटेबल वर्ड। मतलब कहने का ये है, खाली स्थान जानते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप्स, वही चीज़ है क्लोज टेस्ट, जिसमें कोई भी एक टेक्स्ट है, कोई भी एक सेंटेंस है, उसके कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, उसकी जगह ऐसे ऐसे ब्लैंक ब्लैंक बना दिया जाता है या बिंदी बिंदी रख दी जाती है, और वहाँ पे जो है स्टूडेंट को फिल करना होता है सुटेबल वर्ड, उसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो मतलब ये कहने का कि है कुछ ऐसा, बड़ी सी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पता नहीं है कि उसको क्लोज टेस्ट कहते हैं तो आंसर आपका रॉन्ग होगा। इसी की तरह देखा मैंने एक और क्वेश्चन, ये भी अगेन आपका 2018 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से है, सीटेट के। इलेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रिफर्स टू यूजिंग, इलेक्टिसिज्म किसी भाषा शिक्षण में इलेक्टिसिज्म जो है वो किस चीज़ के प्रयोग को रिफर कर रहा है, ठीक है, से संबंधित है। अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज फ्रॉम वेरियस मैथड्स ऑफ टीचिंग, ऑल द मैथड्स टू टीच लैंग्वेज, द बेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग और द टेक्नोलॉजी टू टीच लैंग्वेज। ये काफ़ी अच्छा और घुमा के क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इलेक्टिसिज्म पढ़ेंगे भी तो डायरेक्ट इसमें जो ऑप्शंस है ना, उनमें से कुछ भी आपको डायरेक्ट पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब चीज वही है, मॉडिफाइड करके पूछा हुआ है इसको। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपने आई थिंक गेस कर लिया होगा सही आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फ्रॉम वेरियस मैथड्स ऑफ टीचिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए ताकि आपका। इलेक्टिक अप्रोच एक्चुअली एक अप्रोच है, इलेक्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, वही इसी चीज को यहाँ पे उसी से वर्ड बना हुआ है इलेक्टिसिज्म जो पूछा गया है। तो यह एक शिक्षक द्वारा भाषा शिक्षण दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की एक श्रृंखला से तकनीकों और गतिविधियों के, मैंने शुद्ध हिंदी में लिख रखा है, अब और क्या चाहिए, के उपयोग के लिए दिया गया एक लेबल है, यानी कि एक टर्म दे दिया गया है इलेक्टिक अप्रोच, जिसके अंतर्गत शिक्षक यह तय करता है कि समूह में पाठ और सीखने वालों के उद्देश्यों के आधार पर किस पद्धति या दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए, यानी कि कौन सी टेक्निक, कौन सा मैथड यूज़ किया जाए, क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, क्योंकि देखिए विधियाँ तो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं एक टीचर के सामने, बहुत सारी विधि आती हैं, लेकिन उनमें से यूज़ कौन सा करना है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये डिसाइड करना, यही होता है आपका इलेक्टिसिज्म, और यही भी है अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फ्रॉम वेरियस मैथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विभिन्न विधियों में से बेस्ट जो है अपने लिए जितना जो आवश्यक है, जो सबसे सुटेबल है, वो स्ट्रैटेजी रणनीति चुनना या बनाना। एक और क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है बस एक और है, ये भी आपका सीटेट 2018 के सीटेट पेपर से है। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इज व्हाट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रूब्रिक, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल। किसी भी छात्र की
प्रगति क्या, प्रोग्रेस का जो एक टीचर जो है वो डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड पूरा बनाता है, डिस्क्रिप्शन पूरा लिखित रूप में रखता है, विवरण, लिखित विवरण, वो क्या कहलाता है? चलिए देख लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे हो जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि कई बार हिंदी पैडागॉजी में आया है, इंग्लिश में भी आया हुआ है, तो ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब आ जाता है क्योंकि इसका आंसर जो था वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड था, तो जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सो वेरी सिंपली, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसको एनेक्डोट भी कहते हैं, तो कहीं पे ये वर्ड भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वही चीज़ है। इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी दैट एजुकेटर्स यूज टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व। एग्जैक्टली, ये किसी भी छात्र के बारे में एक छोटी सी स्टोरी, स्टोरी मीन्स एक पूरा विवरण होता है जहाँ, जिसमें टीचर डेली बेसिस पे छात्र की जो भी, किसी भी, चाहे कोई भी व्यवहार देख रहा है, कुछ भी उसके अंदर देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है, व्यवहार देख रहा है, या कोई भी घटना हुई वो देख रहा है, जो भी डेली बेसिस पे घट रही है किसी भी पर्टिकुलर छात्र में, वो उसको वो लिखता जाता है। तो इसी को कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये एजुकेटर्स बनाते हैं, इससे उन्हें डे बेसिस पे सारी चीज़ें कब क्या किसके साथ कैसे हुई थी, किस दिन क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो कुल मिला के जो भी इंसिडेंट वो देखते हैं, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, एग्जैक्टली व्यवहार किए हो रहे हैं छात्रों के द्वारा, उसका एक रिकॉर्ड वो रखते हैं। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, सभी पक्षों से हो सकता है। सो ये क्वेश्चंस 3 थे जो कि है सीटेट 2018 के पेपर से। मैंने आपको सीटेट 2018 का पेपर सॉल्व भी कराया है, अगर आपको नहीं मिला हुआ है तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, इंग्लिश पेडागॉजी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।